उत्तराखंड में विद्यार्थियों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए स्कूल बंद कर दिए गए थे। अब कोरोना के मामले कम होने पर स्कूल फिर खोले जा रहे हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूलों को खोल दिया गया है, जी हाँ, जबकि कक्षा 6 से 8वीं के स्कूलों को 16 अगस्त से खोले जाने का फैसला हुआ है। वहीं रुद्रप्रयाग जनपद में भी सभी स्कूल खुल गए हैं। जनपद के राजकीय इंटर कॉलेज कोठरगी में भी कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्र छात्रा उत्साह के साथ पहले दिन स्कूल पहुंचे। स्कूल प्रबंधक ने सभी बच्चों को मुख्य गेट पर सैनिटाइजर के साथ मास्क पहनने के भी आदेश दिए हैं। वहीं इससे पहले स्कूल की साफ सफाई भी कराई गई। प्रधानाचार्य और शिक्षकों का कहना है कि बच्चों में स्कूल खुलने को लेकर उत्साह दिखाई दे रहा है, क्योंकि लंबे समय से छात्र भी घर पर थे। वहीं छात्रों का कहना है कि ऑनलाइन पढ़ाई और क्लास में होने वाली पढ़ाई में बहुत अंतर है। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। खुशी हो रही है कि आज बहुत महीनों से स्कूल खुली है। ऑनलाइन पढ़ाई में इतना समझ में नहीं आता था, तो स्कूल खुलने में हमें थोड़ा सा खुशी महसूस हो रही है। कभी नेटवर्क प्रॉब्लम हो जाता था, इसलिए हमें स्कूल खुलने में बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा विद्यालय खुल गया है, ऑनलाइन क्लास तो होती है, मगर जो कक्षाओं में पढ़ाई होती है वो ऑनलाइन क्लास में नहीं होती है। तो मैं चाहती हूँ कि नियमित विद्यालय व्हाट्सएप के माध्यम से ऑफलाइन हम पूरी कोशिश कर रहे थे, फिर भी जो है आज लाइव क्लासिंग आज से शुरू होंगी। थोड़ा विद्यालय की सफाई के तुरंत बाद हमने जो है आज जो है सभी अध्यापक 7:30 बजे हम यहाँ पर उपस्थित हो गए थे। हमने एक बच्चों के आने से पूर्व गेट पर ऐसी व्यवस्था की कि उनको सैनिटाइज किया जाए, और उसके बाद हम बच्चों को इस प्रकार से क्लासों में रखेंगे कि जो है उनके बीच की दूरी बराबर बनी रहे और किसी भी संक्रमण के खतरे से वो बचे रहे हैं और उनका पढ़ाई का कार्यक्रम भी जारी है। सरकार के अनुसार जो कोविड नियमों का पालन है उसके तहत हमने विद्यालय खोला है, और बच्चे इतने समय से घर में थे तो बड़े उत्साहित होकर बच्चे आ रहे हैं, और सभी बच्चे जैसे कि जो कोविड नियमों के अंतर्गत जो उनका सैनिटाइज करना है और सोशल डिस्टेंस है, इसके साथ साथ उनके गार्जियनों को हमने बता दिया था फ़ोन के माध्यम से, ग्राम प्रधानों को बता दिया था, प्रोग्राम रखा हुआ है, और इसके साथ साथ हमारी आज से नियमित क्लासेस शुरू हो जाएगी और जो इतने समय का जो पढ़ाई जो बाधित हुई है इसको हम वैसे तो हमारे विद्यालय सभी लोगों ने ऑनलाइन पढ़ाई, परंतु जो फेस टू फेस पढ़ाई है वो आज से क्लासरूम के माध्यम से शुरू हुई।